All the best. चले रोल्ड हॉर्सेस हियर यू हियर थैंक यू जम्मू एथलीट्स क्लब और जम्मू यूनिवर्सिटी कोलैबोरेट कर रही है एक हाफ मैराथन जो फॉर द फर्स्ट टाइम जम्मू में हो रहा है हियर इन दिस सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड यूनिवर्सिटी एंड आई एम श्योर दैट दिस डेफिनेटली विल इंस्पायर आर यूथ एक्टिविटीज बी इन द यूनिवर्सिटी प्रमोट and encourage sports events like this. And another very important feature is that our university has entered the Golden Jubilee year, and this is one of the activities which we have planned for the Golden Jubilee year. This is being flagged off by VASAB, Honorable Advisor Sir, and we are very happy and be inspired by his presence here this morning, and I'm sure that this event will lead to many more such events in the future which we are planning in the university. Sir, kya kehna chahte hain jis tarah aaj marathon daud lagayi ja rahi hai international vidheshi participate kar rahe hain kis tarah ka sujog rehta hai जम्मू एथलीट्स क्लब और जम्मू यूनिवर्सिटी इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही है सहयोग से, और मैं बहुत खुशी है कि बहुत सारे Hello.
ट्रेन का भी गो होंगे क्या? All the very best, all the very best. हमारे साथ पल पल की खबर आपको मिलती रहेगी। दीपक फोन करो अपने फोन तुझे फोन नहीं कर लाइक अपना मार स्टेम टाइम वाला जो फोन नहीं कर रिकॉर्ड करा मी करा यार जम्मू से नहीं है फोन नहीं कर रहा है फोन कटा रहा हूँ मैं लाइव करूँ दोनों दो लोगों ने देख ही रहे हैं आज जम्मू में जो है आज इतिहास रचने जा रहा है और जम्मू के पूरे अगर आप तमाम लोग देखो आज कितना जोश है हम में और सबसे खूबसूरत बात है कि तमाम अक्रॉस इंडिया जो लोग यहाँ पर रनर्स आए हुए थे और आज
माता की धरती में आज एक इतिहास रचा गया और जहाँ पर सब ने एक बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन दिखाया और मुझे प्राउड से कहना पड़ा आज वो हिस्ट्री क्रिएट हुई है और आप सबका जोश देख ही रहे थे जब उनको जब छोड़ा जा रहा था फ्लैग ऑफ के लिए। सर बात करें जहाँ से देश विदेश से आए हैं क्या कहना चाहते हैं, किस तरह का आपने सोचा कि विदेशियों को भी जहाँ पर लाया जाए पुरानी कर पाया जाए? देखिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, 2 महीने पहले जब हम लोगों ने इसका प्लानिंग शुरू किया हमें इतना उम्मीद नहीं था कि हमारा मैसेज जो है जो से नो टू ड्रग्स एंड यस टू स्पोर्ट्स कि इतना ट्रैवल करेगा अक्रॉस द वर्ल्ड ये ट्रैवल कर जाएगा और आई एम प्लीज टू शेयर विद यू कि तमाम वो मैसेज इतना वायरल हुआ और सारा बहुत बड़ी खुशी की एक बात है कि तमाम सारे अक्रॉस द कंट्री 5 कीनियंस उसमें एक दो डेनमार्क के सारे यहाँ पर आ गए और एक आज इतना खूबसूरत मौका है कि आज उस ऐसी मोमेंट में जहाँ पर माता वैष्णो देवी की धरती पे आज आपके सामने ही है कि क्या होने जा रहा है और एक इतिहास रचा गया। थैंक यू। तुम्हें सवाल सर 3.5 घंटे तक सर ये 3.5 घंटे का सर जो कट ऑफ टाइम है फॉर 21K रनर्स दैट इज 3:30 एंड फॉर 10K रनर्स कट ऑफ टाइम इज 1:35 एंड फॉर फिट वन रन उन लोगों के लिए तो मुझे ब्रांडा बंधु पता है बनाए थे कि उसका पैसा कहाँ गया। एक बहुत बड़ी पहल है जम्मू एथलीट क्लब इसके लिए मुबारकबाद के पात्र हैं और जम्मू यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल वीसी साहब मेरे साथ खड़े हैं उनके निर्देशन में ये सारा कार्यक्रम हुआ है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इवेंट है जम्मू के लिए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर रियासत में हमारे जो युवा हैं जो हमारे यूथ हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं और देश में किसी से कम नहीं है और हमारे को डेमोग्राफिक एक एडवांटेज भी है जेएनके में तो हमारा यूथ जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ की तरफ जाए वो बात बहुत ज़रूरी समाज के सोसाइटी के हर इंस्टीट्यूशन के कोने कोने तक जाना चाहिए और आज का जो ये इवेंट है ये डेमोन्स्ट्रेट करता है बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को दर्शाता है हमारे कलेक्टिव कमिटमेंट को कि हम यूथ को एनकरेज करेंगे मोटिवेट करेंगे और हमें पूरा यकीन है कि यूथ स्पोर्ट्स की तरफ जाएगा। इसमें दूसरी बड़ी अच्छी बात यह है कि इसमें इवेंट में बहुत बड़ी स्टेक होल्डरशिप है जैसे आपने देखा जम्मू यूनिवर्सिटी का अपना 50वां वर्ष है उनकी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस हो रही और इस प्रकार के इवेंट जम्मू यूनिवर्सिटी में हो ये एक बहुत बड़ी बात है। क्या नाम है? परमवीर सिंह। परमवीर सिंह जम्मू हाफ मैराथन में आपने पार्टिसिपेट किया 10 किलोमीटर सबसे पहले आप आए हैं कैसा लग रहा है और कितनी टफ रेस थी? टफ रेस थी बाहर इंटरनेशनल प्लेयर आए हुए थे यहाँ पे उनको देख के थोड़ा डर लगता है कि वो पहले नंबर पे और जब स्टार्ट हुआ तब मैं पहले नंबर पे था फिर आगे जाके मैं 4th नंबर पे आया फिर मैंने कोशिश की और पहले नंबर पे आया वो मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि मेरी इतनी प्रैक्टिस थी 2-3 दिन पहले बीमार हो गया था तो प्रैक्टिस नहीं कर रहा था तो चलते वक्त मेरी ना पेट में दर्द भी हो रही थी सांस भी चढ़ रही थी पर मैंने हिम्मत नहीं आ रही और अपना बेस्ट दे दिया। तो इस मैराथन में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ 1-2 बार कर चुका हूँ बट वो 5 किलोमीटर में किया 3 किलोमीटर में किया 10 किलोमीटर पहला इवेंट था ये। तो जैसे बॉम्बे में होती है बेंगलोर में दिल्ली में होती है मैराथन वहाँ पे उस लेवल की ये मैराथन उसी लेवल की उस वो वहाँ पे प्लेन होता है यहाँ पे हिल एरिया था तो थोड़ा यहाँ पे टफ है वहाँ पे थोड़ा नॉर्मल होता है तो अब आगे भी इसको कंटिन्यू रखेंगे और कंटिन्यू रखेंगे दिल्ली मैराथन ज्वाइन करने वाले तो क्या चाहते हैं कि हर साल होनी चाहिए हर साल। सर जम्मू हाफ मैराथन में पार्टिसिपेट किया 5 किलोमीटर कैसा रहा एक्सपीरियंस और क्या कहेंगे कि किस तरह का होना चाहिए इवेंट और आगे भी ऐसा जारी रहेगा? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा ये क्योंकि मेरे ख्याल से पहला इवेंट है जम्मू में इससे फर्स्ट हाफ मैराथन इन जम्मू अभी तो लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है अगर आप दिल्ली में लें ऐसे भी रिसेंटली दिल्ली में एयरटेल ने हाफ मैराथन कराया आई थिंक अराउंड 35-40,000 पीपल पार्टिसिपेट इन दैट इवेंट यहाँ मेरे ख्याल से काफ़ी कम पार्टिसिपेशन है चलो ज़्यादा होना चाहिए और मे भी थोड़ा इनका मार्केटिंग कम रहा होगा या लोगों का अवेयरनेस नहीं है अभी लोगों का इंटरेस्ट नहीं है लेकिन होपफुली अगर ऐसा इवेंट हो 6 महीने बाद दोबारा होता है लाइक अप्रैल में या मौसम ठीक होगा मुझे लग रहा है अब अगर 1,000 तो 5,000 हो ही जाएंगे। तो आप भागे हैं जम्मू की कंडीशन थोड़ी हिली कंडीशन है तो क्या थोड़ा टफ रहा भागना? नहीं हमारा जो ट्रैक था इट वॉज ए नॉर्मल ट्रैक इतना टफ नहीं था तो हाँ जो 20 वालों वाले भागे हैं उनको शायद चढ़ाई चढ़ना और उतरना भी है बिकॉज दे हैव टू गो हिल व्यू हांडा सिद्रा जो मेरी जानकारी है वहाँ तक उनको जाना है उनके लिए पास आना वो भी चढ़ाई है बट होपफुली मैं काफ़ी सारे प्रोफेशनल हैं कुछ लोग मैं भी जानता हूँ दिल्ली में भागे हैं कुछ विदेश से भी आ रखे हैं जो मैंने फोटोग्राफ देखे हैं तो वो लोग भाग लेंगे मेरे को लेंगे प्रभात सिंह जी जिसके रिटायर्ड है वो तो दिल्ली हम मैराथन में भी 2nd प्राइज़ लेके आए थे अपनी कैटेगरी में तो यहाँ पर भी वो सुबह हम लोग तो मेरे से काफ़ी एज में है वो बड़े हैं
मैंने जैकेट पहना था लेकिन वो सुबह टी शर्ट और निकर में से मुझे कह रहे थे यार आप क्या कर रहे हो, उतारो भागने आए हो कि देखने आए हो। गुरुराज सिंह जी होपफुली वो आप जब देखोगे 21 कैटेगरी में तो पहले 5-7 में जरूर होंगे, आई होपफुल जरूर होंगे। मेरे वो भी दिल्ली में भागते हैं मेरे जी मैम, 5 किलोमीटर का ट्रैक पर रनिंग करके आए, कितना टफ रहा? और जब ये टफ तो है लेकिन अच्छा लगा, पहले भी हमने पिंकाथॉन किया हुआ है तो थोड़ी हेल्प मिली पिंकाथॉन के बाद, यहाँ मैराथन में आए काफ़ी मतलब हेल्प मिली पिंकाथॉन से। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ जम्मू एड्स को कि सब आएँ और इसमें पार्टिसिपेट करें और फिटनेस फ्रीक बने। फिलहाल पहली बार थी तो लोग तो इससे ज़्यादा होना चाहिए और इससे ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, जम्मू को ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए ड्रग्स फ्री के लिए, क्योंकि काफ़ी यूथ हैं जो इसमें इंडल्ज हैं ड्रग्स में, तो ये है भी से नो टू ड्रग्स, उनका लोगों ने ये लिखा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि जम्मू के जो यूथ हैं वो आगे आएँ और अपने आप को इसमें पार्टिसिपेट करें ताकि वो अपनी हेल्थ को ठीक कर सकें। Because normally in India we run in flat course, but here in Jammu it's tough because it's hilly. Yeah. So what do you say about this marathon? Like the first time this marathon happened in Jammu, and more people will come to participate. So are you happy with the management, all the management and all the arrangements? Yeah, I'm happy because of this arrangement. It's good arrangement. I'm urging all people, if next year if there is a marathon again, then come. We will be here again. If they invite us, we will be here. तो ये इन्होंने बताया कि अगर काफी टफ सरफेस रहता है, इससे पहले जितने मैराथन होते हैं, खासकर हम बात करें दिल्ली बेंगलुरु।